Adabora. सुनो बच्चों, कल स्कूल में दांतों का डॉक्टर आएंगे। तुम सबका दांत चेकअप करेंगे। जिसका दांत सबसे साफ और अच्छा होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सर, मेरा दांत सबसे ज्यादा साफ है। कितना चमक रहा है देखिए, और बहुत मजबूत है। एक अखरोट दीजिए, अभी तोड़ दूंगा तो फिर सर पुरस्कार मुझे ही मिलेगा ना सर। बस बस, अपने दांत बंद करो। तुम कल डॉक्टर साहब के सामने खोलना, उसके बाद पता चलेगा किसका दांत कितना मजबूत है। ठीक है सर। कल सब टाइम से आ जाना, समझे? अब मैं चलता हूँ, और कल तुम लोग अच्छे बच्चे बनकर आना। जी सर। पता है बिरजू, मैं सुना हूँ कि पका हुआ आम दांतों के लिए फायदा है बहुत। सच में क्या? मुझे पता नहीं था। तुझे कैसे पता चलेगा तेरा उम्र क्या है? तब तो कल उपहार पाने के लिए तो आज हम दोनों को आम खाना ही पड़ेगा। वही तो सोच रहा हूँ मैं कि कैसे उस आम को तोड़ेंगे हम। मैं बताऊँ? हाँ बोल। सीढ़ी लगाकर हम आम तोड़ेंगे। ओए बिरजू, कब तुझे अक्ल आएगा? सीढ़ी लगाकर आम तोड़ पाएंगे क्या? ये मुझे पता नहीं था। लेकिन सीढ़ी कहाँ पाएंगे? तुम और मैं दोनों अगर कोशिश करें तो एक सीढ़ी तो बना लेंगे। हाँ, क्यों नहीं बना लेंगे, लेकिन बहुत ही झंझट है। कल का पुरस्कार के लिए इतना नहीं कर सकते हम। ओए भोंदा। ओए बिरजू, तुम दोनों आम खाकर दांत मजबूत करोगे और पुरस्कार जीतोगे। मैं तुम दोनों का सीढ़ी बनवा रहा हूँ। रुको, अभी तुम दोनों को मजा चखाता हूँ। रुको। लो बिरजू, हम दोनों का सीढ़ी बन गया है ना? हाँ बोंदा, अब आम तोड़ना पड़ेगा हमें। हाँ बिरजू, उसके बाद हम दोनों मजे से आम खाएंगे। खिला रहा हूँ तुम दोनों को आम, और मिलेगा तुम लोगों को पुरस्कार। अभी मैं जाकर आम बगीचे के मालिक को बुलाकर लाता हूँ। तब तुम दोनों को तुम्हारे सीढ़ी से तुम्हें ही मार खिलाऊंगा और तुम दोनों का दांत तोड़वाऊंगा। आप अभी जाकर देखिए गोवर्धन चाचा जी, आपके बगीचे के पीछे भोंदा और बिरजू सीढ़ी लगाकर आम तोड़ रहे हैं। ठीक है, आम तोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या आम तोड़ रहे हैं? उन लोगों की इतनी हिम्मत मेरे बगीचे में चोरी? उनकी हिम्मत तो बहुत है। हाँ, बहुत हिम्मत है। आप अभी जाइए जल्दी। हाँ, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, और उन दोनों को पकड़ कर बहुत मारूंगा। वरना मेरा नाम गोवर्धन नहीं। शैतान लड़का, तेरा इतना हिम्मत, रुक मजा चखाता हूँ। भोंदा भाग। हाँ, तू भाग, मैं भी भागता हूँ। पकड़ कर उन दोनों का दांत तो तोड़ ही दिए होंगे। जाकर उन दोनों का हालत देखता हूँ। ये क्या हुआ? मर गया मैं, मेरा दांत। सुनो बच्चों, अभी अपना रिपोर्ट डॉक्टर बताए हैं।
सबसे पहले दांतों के लिए पुरस्कार पा रहा है हमारा भूंदा। पुरस्कार के रूप में तुम्हारे लिए बाहर एक टोकरी आम रखा हुआ है, सबको देकर खा लो तुम। लेकिन सर, अंधा तो नहीं दिख रहा है। उसे डॉक्टर साहब अच्छी तरह चेकअप कर रहे हैं, कुछ देर बाद वो आएगा। ठीक है सर, हम जा रहे हैं। ये ले बिरजू, इसे तू खा। वो देखो अंधा। क्या? देख उधर। ये क्या अंधा? तुझे तो पके पके आम देने का मेरा बहुत मन था, लेकिन तेरा जो हालत है तू तो खा भी नहीं पाएगा। कितनी तकलीफ हो रही है। सच में तेरे लिए बहुत दुख हो रहा है। तकलीफ से मेरा कलेजा फट जा रहा है, इसीलिए तेरे हिस्से का आम भी मैं खा लूंगा। तू कुछ मत सोचना अंधा।